Hello and welcome to Krishna Classes. Today we are going to watch the summary of Chapter 5, The Making of a Scientist. Though it is a summary, yet all the essential aspects of the lesson have been covered in detail. जैसा कि आपको मालूम है, summary के द्वारा हम पूरे chapter को अच्छे से revise कर सकते हैं और उसके main points पर focus कर सकते हैं. If you are new to my channel, please do not forget to subscribe. Now let's begin watching the summary of The Making of a Scientist by Robert W. Peterson. Richard H. E. Bright is one of the leading scientists. Richard H. E. Bright जाने माने वैज्ञानिकों में से एक हैं. He has contributed a lot to biochemistry and molecular biology. उन्होंने biochemistry और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है. He was interested in science since his childhood. बचपन से उन्हें साइंस में बहुत इंटरेस्ट था. At the age of 22, he excited the scientific world with a new theory. जब वो 22 साल के थे तो उन्होंने साइंटिफिक वर्ल्ड में एक नई थ्योरी से बहुत एक्साइटमेंट पैदा कर दिया था, बहुत ज़्यादा हलचल मचा दी थी. His theory was concerned with the working of cells. और उनकी ये जो theory थी, ये कोशिकाओं के काम करने के बारे में थी. Ebright and his college roommate explained the theory in an article. इस theory को उन्होंने एक article में explain किया. And this article was published in the journal entitled Proceedings of the National Academy of Science. और ये article Proceedings of the National Academy of Science नाम के जर्नल में छपा, which was first of his many achievements in the field of science. और ये उनकी साइंस के क्षेत्र में कई उपलब्धियों में से एक था. And his achievements started with his studies on butterflies. और उनके जो साइंस के फील्ड में जो अचीवमेंट्स थे, वो शुरू हुए थे बटरफ्लाइज की स्टडी से. Ebright was the only child of his parents. Ebright अपने माता पिता की इकलौती संतान थे. They lived in the north of Reading, Pennsylvania. Ebright was fascinated by butterflies. Ebright को तितलियां आकर्षित करती थीं. He started collecting butterflies in kindergarten. और जब वो केजी में थे, तभी से उन्होंने butterflies को collect करना शुरू कर दिया था. He also collected rocks, fossils and coins. He also became a stargazer and an eager astronomer. इसके अलावा वो सितारे भी देखते थे और एक eager astronomer भी बन गए थे. आकाश में अलग-अलग ग्रहों को देखना भी उन्हें पसंद था. Ebright's mother recognized his curiosity. Ebright की माँ ने उनकी curiosity को पहचाना and encouraged him. और उन्होंने उनका प्रोत्साहन किया. She took him on trips. वो उन्हें ट्रिप्स पे ले जाती थी. She also bought him telescopes, microscopes, cameras and other equipment. इसके अलावा Ebright की मदर ने उनके लिए जो बाकी इक्विपमेंट चाहिए होता है, जैसे कि माइक्रोस्कोप, कैमरास, ये सब भी खरीदा था. Ebright's mother was his only friend until he started school. जब तक उन्होंने स्कूल जाना शुरू नहीं किया था, तब तक उनकी माँ ही उनकी एकमात्र मित्र थी. He was her whole life after her husband's death. उनके पति की मृत्यु के बाद Ebright ही उनकी जिंदगी बन गए थे. Ebright ही उनकी जिंदगी के केंद्र में रह गए थे. His mother used to find work like learning things for Richie. उनकी माँ उनके लिए चीजों को सीखने से संबंधित काम ढूंढा करती. एंड हेल्प हिम इन मेनी अदर वेज. और दूसरे कई तरीकों से भी उनकी मदद करती. ही हैड अ ग्रेट हंगर फॉर लर्निंग. उनमें सीखने की बहुत भूख थी. ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल. स्कूल में हमेशा उनके अधिकतम अंक आते थे. बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड ही हैड कलेक्टेड 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन. दूसरी क्लास में पहुंचने तक उन्होंने 25 किस्मों की बटरफ्लाइज जो उनके होम टाउन के आसपास पाई जाती थी, उन्हें कलेक्ट कर लिया था. वन डे
When his mother gave him a children's book, The Travels of Monarch, it opened the world of science to him. एक दिन जब उनकी माँ ने उन्हें बच्चों के लिए छपी एक पुस्तक द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क दी, तो इस किताब ने उनके लिए विज्ञान की दुनिया के दरवाजे खोल दिए. इट डिस्क्राइब्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका. इस किताब में बताया गया था कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज सेंट्रल अमेरिका को जाती हैं. एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस. पुस्तक के आखिर में पाठकों से कहा गया था कि वो बटरफ्लाई माइग्रेशंस को स्टडी करने में मदद करें. दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा. उनसे कहा गया था कि वो डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट जो टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा के थे, उनके द्वारा बटरफ्लाइज की रिसर्च करने के लिए बटरफ्लाइज को टैग करें. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. और जिस किसी को भी ऐसी कोई टैग्ड बटरफ्लाई मिले, जिसके ऊपर टैग लगा हो, नाम वगैरह लिखा हो, ऐसी कोई बटरफ्लाई मिले तो उसे उस बटरफ्लाई को डॉक्टर अर्कहार्ट को भेजने के लिए कहा गया था. ईब्राइट स्टार्टेड टैगिंग मोनार्क बटरफ्लाइज. और तब से ईब्राइट ने मोनार्क बटरफ्लाइज को टैग करना शुरू कर दिया. The butterflies collecting season around reading lasts only 6 weeks in late summer. Reading में butterflies को पकड़ने का season सिर्फ 6 हफ्ते ही रहता है. He realized that chasing the butterflies one by one won't enable him to catch many. तो उन्होंने ये अनुभव किया कि अगर वो एक एक करके butterflies पकड़ेंगे तो बहुत सारी catch नहीं कर पाएंगे. So he decided to raise a flock of butterflies. तो उन्होंने खुद बटरफ्लाइज को पालने का निर्णय लिया. ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क एंड टेक हर एग्स. वो एक फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ते और उसके अंडे ले लेते. ही वुड रेज देम इन हिज बेसमेंट फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई. और फिर वो उन्हें बेसमेंट में एग से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा और फिर प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई बनने तक पालते. Then he would tag the butterfly's wings and let them go. और फिर वो butterflies के wings के ऊपर अंकन कर देते, कुछ निशान लगाते और उन्हें जाने देते. However, soon Ebright began to lose interest in tagging butterflies. जल्दी ही Ebright इस काम से ऊब गए या इसमें उनका interest खत्म होने लगा. He was a little disappointed as only 2 butterflies had been recaptured. वो थोड़ा डिसअपॉइंट हुए थे, थोड़ा निराश हुए थे क्योंकि सिर्फ 2 बटरफ्लाइज ही पकड़ी गई थी दोबारा. इन द 7th grade ईब्राइट एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर. जब वो क्लास 7 में थे, 7th क्लास में थे, तब उन्होंने एक काउंटी साइंस फेयर में, एक विज्ञान मेले में पार्टिसिपेट किया. हिज एंट्रीज वर स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज. और जो साइंस फेयर में उनकी एंट्री थी वो फ्रॉक टिश्यूज की स्लाइड्स थी. बट ही डिड नॉट विन एनी प्राइज. पर उन्होंने कोई इनाम नहीं जीता. सो ही डिसाइडेड टू डू फर्दर रिसर्च. तो उन्होंने आगे रिसर्च करने का डिसाइड किया, तय किया. ईब्राइट रोड टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज. ईब्राइट ने डॉक्टर अर्कहार्ट को आइडियाज के लिए लिखा, चिट्ठी लिखी. इन रिप्लाई The famous scientist gave him many suggestions for experiments. जवाब में उन प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कई सारे सुझाव ईब्राइट को दिए एक्सपेरिमेंट्स के लिए. These experiments kept ईब्राइट busy all through high school. और इन एक्सपेरिमेंट्स को करने में ईब्राइट पूरे हाई स्कूल के दौरान बिजी रहे. For his 8th grade project, ईब्राइट tried to find the cause of a viral disease That killed all monarch caterpillars. अपनी 8वीं क्लास के प्रोजेक्ट के लिए ईब्राइट ने कोशिश की कि वो एक वायरल डिजीज जिससे कि सारे मोनार्क कैटरपिलर्स मर गए थे उसका कारण ढूंढने की कोशिश करें. ही थॉट द डिजीज माइट बी कैरीड बाई अ बीटल. और उन्हें लगा कि ये बीमारी एक बीटल की वजह से होती है.
ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, और उन्होंने बीटल्स की मौजूदगी में कैटरपिलर्स को पालने की कोशिश की. ही डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, उन्हें कोई रियल रिजल्ट तो नहीं मिला. बट ही शोड हिज एक्सपेरिमेंट इन द साइंस फेयर एंड वन, पर उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को साइंस फेयर में सामने रखा और इनाम भी जीता. द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वॉइसरॉय बटरफ्लाइज इमिटेट मोनार्क्स. अगले साल जो उनका साइंस फेयर प्रोजेक्ट था वो इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए था कि वॉइसरॉय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज को इमिटेट करती हैं, उनकी नकल करती हैं. ही सेड दैट वॉइसरॉयज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज बर्ड्स डू नॉट फाइंड मोनार्क्स टेस्टी. उन्होंने कहा कि वॉइसरॉयज मोनार्क जैसी इसलिए दिखती हैं क्योंकि बर्ड्स को मोनार्क बटरफ्लाइज टेस्टी नहीं लगती. बाय कॉपिंग मोनार्क्स द वॉइसरॉयज एस्केप बीइंग ईटन बाय बर्ड्स. मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करके उनके जैसा दिखने का प्रयास करके वॉइसरॉय बटरफ्लाइज चिड़ियों के द्वारा खुद को खाए जाने से बचाती हैं. दे एस्केप बीइंग ईटन बाय बर्ड्स बाय कॉपिंग द मोनार्क बटरफ्लाइज. This project was placed first in the zoology division and the third overall in the county science fair. इस प्रोजेक्ट ने जूलॉजी डिवीजन में पहला स्थान और काउंटी साइंस फेयर में ओवरऑल तीसरा स्थान प्राप्त किया. In his second year in high school, Ebright's research led to his discovery of an unknown insect hormone. हाई स्कूल के अपने सेकेंड ईयर में ईब्राइट ने एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की खोज की, या उनकी रिसर्च की वजह से पहले जो ज्ञात नहीं था एक ऐसा अननोन इंसेक्ट हार्मोन खोजा गया. इनडायरेक्टली इट लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, और अपरोक्ष में इसी की वजह से उनकी नई थ्योरी जो लाइफ ऑफ सेल्स के बारे में थी वो सामने आई. He tried to find out what is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa. उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि जो छोटे छोटे 12 gold spots होते हैं monarch pupa पर, उनका purpose क्या है. To find the answer, Ebright and another student built a device. आंसर खोजने के लिए Ebright और एक दूसरे स्टूडेंट ने एक डिवाइस बनाई. And this device showed that the spots were producing a hormone. और इस डिवाइस से पता चला कि ये जो स्पॉट्स थे वो एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे थे. It was necessary for the butterfly's full development. और बटरफ्लाई के पूरे डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन जरूरी था. This project won Ebright first place in the county fair. और इस प्रोजेक्ट के कारण Ebright ने काउंटी फेयर में पहला स्थान पाया. एंड ही एंटर्ड इन टू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और उसी की बदौलत वो इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में भी शामिल हुए. देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और वहाँ उन्होंने जूलॉजी में तीसरा स्थान पाया. ही ऑल्सो गॉट ए चांस टू वर्क इन वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च. साथ ही उन्हें वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में भी काम करने का मौका मिला. एज अ हाई स्कूल जूनियर, दैट इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ही कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा. वो अपने एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स को मोनार्क प्यूपा पर करते रहे. हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर. उनके प्रोजेक्ट ने पहला स्थान पाया इंटरनेशनल साइंस फेयर में. इन ए सीनियर ईयर ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग इन अ कल्चर. सीनियर ईयर में उन्होंने मोनार्क के विंग से, पंख से सेल्स को लेकर के उन्हें एक कल्चर में प्रोड्यूस किया, ग्रो किया. ही शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डिवेलप इंटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स only if they were fed the hormone from the gold spots. और उन्होंने ये दिखाया कि
विंग में से जो सेल ली हुई थी वो तभी डिवाइड और डेवलप करेंगी नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स पे अगर उन्हें गोल्ड स्पॉट्स में जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो फीड किया जाएगा तब। दिस प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। ही ऑल्सो वर्कड एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर्स लेबोरेटरी। इसके अलावा वो आर्मी की लेबोरेटरी में और US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में भी काम करते रहे। यहाँ इस पिक्चर में हम अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में जिस प्रकार से क्लासेस हैं उन्हें समझ सकते हैं। सबसे पहले किंडरगार्टन है, फिर प्राइमरी स्कूल में वो क्लासेस आती हैं जो हमारे यहाँ ग्रेड 1 से 6 या क्लास 1 से 6, फिर जूनियर हाई स्कूल यानी कि ग्रेड्स 7 और 8, फिर हाई स्कूल में चार क्लासेस हैं क्लास 9 से क्लास 12 तक, उसके बाद फिर कॉलेज है। और क्लास 9 को फ्रेशमैन ईयर कहते हैं, क्लास 10 को सोफोमोर, क्लास 11 जूनियर हाई स्कूल एंड क्लास 12 इज कॉल्ड सीनियर हाई स्कूल। फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट ईयर इज फ्रेशमैन ईयर, सेकेंड ईयर सोफोमोर, थर्ड ईयर इज जूनियर ईयर एंड फोर्थ ईयर इज सीनियर ईयर। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी Ebright went back to the Department of Agriculture's lab and did more work on the hormone from the gold spots. Harvard University में freshman year के बाद summer में Ebright Department of Agriculture की lab में वापस गए और उन्होंने gold spots से लिए गए hormone पर और काम किया। Finally, he was able to identify the hormone's chemical structure. आखिरकार वो उस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में सफल रहे। अ ईयर एंड ए हाफ लेटर वन डे व्हाइल लुकिंग एट द एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स ही गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। करीब 1.5 साल बाद जब वो एक दिन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स की एक्सरे फोटोज को देख रहे थे तब उन्हें सेल लाइफ के बारे में अपनी नई थ्योरी का आइडिया आया। दीज फोटोज प्रोवाइडेड हिम विद द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स। इन फोटोज से उन्हें बायोलॉजी का जो एक पजल है, अनबूझ पहेली जैसी जो रहस्यमय बात है, उसका उत्तर मिला। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। और वो पजल क्या है कि सेल अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ती है। डीएनए और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। डीएनए वो सब्सटेंस है जो सेल के न्यूक्लियस में होता है और हेरिडिटी को, आनुवांशिक गुणों को कंट्रोल करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। ये सेल के फॉर्म और फंक्शन को डिटरमाइन करता है, तय करता है, एंड इट इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। और ये जिंदगी का ब्लूप्रिंट है, जिंदगी का एक मैप है हम कह सकते हैं। Ebright एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वॉन्ग ड्रू पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टेड प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। Ebright और उनके कॉलेज के रूममेट जेम्स आर वॉन्ग ने पिक्चर्स को ड्रॉ किया, प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स के मॉडल्स कंस्ट्रक्ट किए, ये दिखाने के लिए कि कैसे सेल अपने ब्लूप्रिंट को पढ़ती है। नो वन वॉज सरप्राइज्ड व्हेन रिचर्ड Ebright ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स। जब रिचर्ड Ebright ने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन किया सबसे अधिक अंकों के साथ तो किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ। ही ऑल्सो बिकेम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। साथ ही वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर भी बन गए। देयर ही बिगेन एक्सपेरिमेंटिंग टू टेस्ट हिज थ्योरी। वहाँ उन्होंने अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। इफ प्रूवन करेक्ट The theory will be a big step towards understanding the life processes. अगर ये theory सही साबित होती है तो life processes को
अंडरस्टैंड करने में ये एक बहुत बड़ा कदम होगी. इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेज. और हो सकता है इसके द्वारा कुछ कैंसर को और दूसरी बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए भी नए आइडियाज मिल सकें. ईब्राइट हैज मैनी अदर इंटरेस्ट्स ऑल्सो. ईब्राइट के कुछ दूसरे इंटरेस्ट्स भी हैं. ही ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर. वो एक चैम्पियन डिबेटर और पब्लिक स्पीकर भी बने. अ गुड कैनोइस्ट, एक कैनोइस्ट भी बने. कैनो एक छोटी नाव होती है और यहाँ पर उसकी पिक्चर है जो आगे से और पीछे से दोनों तरफ से बहुत संकरी होती है. सो ही बिकेम ए गुड कैनोइस्ट एंड एन ऑल राउंड आउटडोर पर्सन. और साथ ही एक अच्छे हर तरीके की आउटडोर एक्टिविटी को करने वाले भी वो बने. ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स. साइंटिफिक एग्जिबिट्स और नेचर के एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी वो हैं. ईब्राइट्स सोशल स्टडीज टीचर रिचर्ड वेयरर हैड हाई प्रेज फॉर हिम. ईब्राइट के सोशल स्टडीज के टीचर रिचर्ड वेयरर हमेशा उनकी तारीफें करते हैं. ईब्राइट सेड अबाउट हिज टीचर दैट ही ओपनड हिज माइंड टू न्यू आइडियाज. ईब्राइट ने अपने टीचर के लिए कहा कि उन्होंने उनके दिमाग को नए विचारों के लिए खोला. रिचर्ड एवेयरर ऑल्सो स्पोक हाईली ऑफ ईब्राइट. रिचर्ड एवेयरर ने भी ईब्राइट की बहुत प्रशंसा की है. रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेयरर सेड. मिस्टर वेयरर ने कहा कि रिचर्ड हमेशा दूसरों से कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करते थे. रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग्स सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज. उनके टीचर ने कहा कि रिचर्ड ईब्राइट सिर्फ जीतने के लिए जीतने में विश्वास नहीं करते थे, या फिर सिर्फ इनाम जीतने के लिए जीतने में विश्वास नहीं करते थे. रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड. बल्कि वो इसलिए जीत रहे थे क्योंकि वो सबसे अच्छा जो वो कर सकते थे वो करना चाहते थे. फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्टेड टू बी द बेस्ट. सही कारणों की वजह से वो सबसे बेहतर होना चाहते थे. एंड दैट इज वन ऑफ द इन्ग्रीडियंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. और ये एक इन्ग्रीडियंट है, ये एक तत्व है जो किसी साइंटिस्ट को बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है, या किसी साइंटिस्ट के बनने में इस तत्व की कि आप जो सबसे बेहतर कर सकते हो उसे करने का प्रयास करें होना बहुत जरूरी होता है. स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस. ईब्राइट हैज दीज क्वालिटीज. पहले एक फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, उसमें उत्सुकता मिलाई जानी चाहिए, एड क्यूरियोसिटी यानी उसमें उत्सुकता भी शामिल हो, और फिर विल टू विन फॉर राइट रीजंस, सही कारणों की वजह से जीतने की इच्छा ये शामिल हो, तभी कोई साइंटिस्ट बन सकता है. ईब्राइट हैज दीज क्वालिटीज. ईब्राइट में ये गुण हैं. डियर स्टूडेंट्स, आई डू होप दैट दिस वीडियो हेल्प्ड यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर एंड इन रिवाइजिंग एंड मेमोराइजिंग इट्स मेन फैक्ट्स. प्लीज डू प्रेस द लाइक बटन इफ यू लाइक्ड द वीडियो. मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग.